और मेरी ये वाली क्वालिटी, दोनों का आप एक बार टच करके देख लो, आप नापा को हाथ नहीं लगाओगे, कभी भी लाइफ में लगाने नहीं चाहोगे, ये मेरी गारंटी है। ये जो किसी भी कार के लिए आपको 1500 रुपए में स्टार्टिंग हो जाएगी। पांडे कार सीट कवर नंबर आपके सामने। कैसे हैं सारे दोस्तों? तो दोस्तों आज टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा भाई, किस चीज के ऊपर आज का कंटेंट, किस चीज के ऊपर आपकी वीडियो है। सो भाई आज आए हैं पांडे कार एक्सेसरीज, पीछे सारों को सीट कवर दिख गए होंगे, बाकी डिटेल्स आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई ऑन द वे फ्रॉम बड़ौदा, यानी कि गुजरात से गाड़ी आई है, तो स्पेशली गुजरात से गाड़ी है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा होगा। ये देख लीजिए गाड़ी सामने खड़ी है गुजरात नंबर की। सो पांडे कार सीट कवर जो की है बिल्कुल जस्ट कार पार्किंग के सामने, वो देख लीजिए कार पार्किंग का गेट है, सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। बाकी ये वाली साइड तो आई है, अभी हम आपको पूरा फीचरिंग करके दिखाएंगे भाई गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है, किस प्राइस में हो, कौन सी क्वालिटी लगाई है, बाकी आपको भैया सारी एक एक चीज डिटेल देंगे, मैं भी साथ में दूंगा। सो देखते हैं भाई, तो चलिए क्या क्या गाड़ी में काम हुआ, लेट्स गो। ये डैशबोर्ड का पीस है, ठीक है, तो अभी तक आपने देखा होगा अदर रैप होता था रेड स्टिचिंग के साथ, जो होती है यहाँ पे, इसको हम पियानो ब्लैक में, बट स्टिचिंग से अब एक डिफरेंट चीज चलेगी। हाँ, स्टिचिंग से डिफरेंट चीज चलेगी, ये सारे शेड्स होते हैं अपने पास अवेलेबल। तो ये मतलब ये पेंट के शेड्स हैं सारे, ये सारे शेड्स हैं वुडन के। तो भैया ने जो करवाया है वो है ये वाला शेड है जो टॉप मॉडल में आता है, जो टॉप मॉडल में आता है। बाकी जो सिस्टम वाला जो पूरा फ्रेम है वो भी इसी कलर का ही है, तो मतलब प्रॉपर मैचिंग हो जाएगी इस चीज। बाकी अगर आपका इंटीरियर किसी और कलर का भी, अभी इससे अलग डिफरेंट शेड्स भी होते हैं थोड़े से, बहुत सारे शेड्स होते हैं, एक नई आर्टिकल भी तैयार करेंगे हम लोग जिसके अंदर ये शेड तैयार आएगा। तो भैया दिखा रहे हैं, देखो ये एक नया शेड निकाला है, ये आर्टिका का है, ये भी ब्लैक के अंदर ही ऐसा कुछ, ये ब्लू है, कार्बन ब्लू शेड में। हाँ, तो अब थोड़ा कैमरे में जस्टिफाई हो पाया है, देखो ब्लू के अंदर है, शाइनिंग से कार्बन वाला जो होता है, जैसे कार्बन टेपिंग होती है। पूरी कार तैयार होगी तो इसकी भी वीडियो डालेंगे हम लोग, ठीक है, वर्क चल रहा है जी, अभी 3 से 4 दिन बाद इसका काम स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुका काम, प्रोसेस हाँ फाइनल होने में 4-5 दिन लगेंगे, उसके बाद एक वीडियो और शूट होगी। तो फिलहाल आपको बता दें जो फाइनलाइज हुआ है इसका कलर ये वाला हुआ है, जो कि टॉप मॉडल में आता होगा, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। देख लो भाई, एक सीट कवर यहाँ पर तैयार हो, पैक के सीट कवर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, मतलब पूरा पूरा काम चल रहा है, बल्कि बारिश चल रही है और साथ साथ काम भी चल रहा है, काम रुक नहीं रहा। बारिश तो चल रही है बट यार गर्मी भी आ रही है, पसीने देख रहे हो, पूरे पसीने पसीने हो रहे हैं भाई की हार्ले खराब होगी। देखो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फिनिशिंग हुई है, ये सेल्टोस का ही है ना, ये सेल्टोस का ही है भाई, अभी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं हुई क्योंकि अभी पैक होना रह रहा है, देख लो एक बारी। बाकी जो रिंकल्स आ रहे हैं प्रॉपर आपको फ्लैट यानी कि प्लेन करके दिए जाएंगे, जैसे एक्चुअल फिनिशिंग में आती है। सीटें कटनी शुरू हो गई हैं, ये भैया इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती, जैसे आपने ब्लेड मारा है इसमें अभी प्रॉपर फिटिंग रहेगी ना। अब देख लो भाई, जैसे भैया ने ये सीट काटी है, ये होती है बकेट सीट के लिए, कटिंग करी है साइड में, वापसी वो जो चीज भैया ने काटी है वो एज इट इज लग जाएगी, बिकॉज जब ये फिनिशिंग देनी होती है ना इसके लिए ये चीज काटनी बहुत जरूरी है। एक बार आप चेकआउट करो गाइज, ये देख रहे हो ना, देखो यार कितनी प्यारी फिटिंग लग रही है, बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट बकेट फिटिंग जिसे कहते हैं, ये चेकआउट करो, देखो बिल्कुल परफेक्शन के साथ, बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। अब ये भी तैयार हो रही है गाइस, वो सेल्टो तो आई है गुजरात से, जिसके यहाँ पर सीट कवर तैयार हो रहे हैं, बाकी भैया ने इसका पूरा भी इंटीरियर करना है। सो भाई अब देख लो भाई, भाई क्या कह रहे हो, अब एक बार ये बता दो, क्या निकाल रहे हो, अच्छा बकेट कर रहे हो इसको। अभी नीचे वाली तरफ तो देख लो भाई सीट कवर लगा दिया है, बाकी अब ऊपर की तरफ इसका कवर चढ़ेगा। भैया विराजमान हो चुके हैं, भैया अब एक बार काम बताओ, बाकी सीट कवर तो उधर तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लो भाई आम रखा हुआ भैया ने देख लो, आम आजकल दिखाना जरूरी है, बिल्कुल। इसके डैशबोर्ड जो है पियानो ब्लैक होगा, सेम जैसी है फिनिश है टॉप मॉडल वाली, ठीक है। इसके डोर पैनल्स बनेंगे जी, स्टीयरिंग अभी ओरिजिनल रैप होगा जैसे कंपनी से आता है विद रेड स्टिचिंग, हाँ जी। इस आर्मरेस्ट के ऊपर भी कवर चढ़ा के देंगे हम लोग, जो बहुत सारे दुकानदार मना करते हैं उसके ऊपर, हाँ जी, क्योंकि प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दे पाते, पूरी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दे पाते हैं। सवारी की है गुजरात से लगवाई थी भाई साहब ने, मैंने बोला चेंज किया था, बट इन्होंने कहा नहीं फ्लोरिंग के पैसे लग गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम फ्लोरिंग में देखेंगे जी। तो इस फ्लोरिंग छोड़ के हम लोग स्टीयरिंग कवर, सीट कवर, सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट, डोर पैनल्स, डैशबोर्ड भी इस बार हम लेदर रैप नहीं करेंगे। अच्छा, आपने मेरी जितनी वीडियो देखी होगी, हाँ जी, लेदर रैप देखी होगी, हाँ जी। इस बार हम डैशबोर्ड को पियानो ब्लैक कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये सेम फिनिश है उसी फिनिश के अंदर डैशबोर्ड। तो भी एक चीज और बताओ कि जो पेंट जैसे करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि गारंटी खत्म हो जाए कंपनी से, ऐसा कुछ, ताकि कस्टमर का पूरा फीडबैक हम बाद में लेंगे, बट एक बार आप ये चीज बता दीजिए कोई प्रॉब्लम ना है कंपनी में, से वारंटी का कोई इशू नहीं आता, कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि काफी लोगों के मन में सवाल रहेगा। नहीं, पेंट से कोई मैटर नहीं होता जब तक गाड़ी के अंदर कोई भी वायरिंग कट नहीं होती, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल पार्ट में जब तक वायरिंग नहीं कट होगी तब तक वारंटी वर्ड नहीं होती। और यहाँ पे वायरिंग का कोई कुछ काम ही नहीं है जी, जो अपना मेन काम है डैशबोर्ड का, सीट कवर का और डोर पैनल, मतलब प्रॉपर हम इंटीरियर कर रहे हैं गाड़ी का, पूरा इंटीरियर करेंगे, अभी आपको स्टीयरिंग को दिखाएंगे, बहुत बढ़िया फिनिश के अंदर, वो भी रेड स्टिचिंग के साथ, ठीक है। तो इंटीरियर कौन से कलर का हो रहा है एक बार इसका, सीट ब्लैक कलर का
सीट कवर है, हाँ जी, रेड कलर की थ्रेडिंग का वर्क होगा। ओके, टॉप मॉडल वाला पूरा सेम टू सेम, मतलब बेस टू टॉप वाली वही पुरानी कहानी आ गई, बेस टू टॉप कर रहे हैं मॉडल को। ठीक है, तो भाई सेल्टॉस आप लोगों को पता ही है कि भाई आज के टाइम में ब्रांड बन चुका है, किया सेल्टॉस। तो बाकी बड़ी देख लो, भैया ने जो फ्लोरिंग गुजरात से करवाई थी उसमें खास मजा नहीं लग रहा मुझे, बट भैया ने कहा हम नेक्स्ट टाइम इसकी फ्लोरिंग दोबारा से करवाएंगे जब आपके पास आएंगे। इनका काम शुरू हो चुका है, प्रॉपर अच्छी वाली एक्चुअल फिटिंग जो है वो होगी। अभी भैया बॉस्टिक लगा रहे हो जी? अभी बॉस्टिक लगा रहे हैं, देन थ्रेडिंग होगी ना उसके बाद, ये धागा लगेगा ना सारे आपके। हाँ जी, ये क्रोम दिख रहा है सारा आपका, दिखेगा। हाँ, उसके बाद स्टिचिंग। बाकी अब स्टार्ट हो चुकी है, जो कपड़ा है अंदर जो उसको डालना है, स्टेरिंग के जो कंट्रोल्स हैं उसके साइड में, देखो फिनिशिंग देख रहे हो, एक बार हाथ हटाना तो देखो भाई, अभी एक बार हल्का सा साफ करो जो गंदा लगा हुआ ना ये, बाकी फिनिशिंग पता लग जाएगी। तो देख लो भाई, बॉस्टिक हल्की सी रही तो हट गई, बाकी एक बार प्रॉपर आप देखोगे ना जब, आपको भी लगेगा हाँ भाई स्टेयरिंग की जो फिटिंग हुई है, जो स्टेयरिंग कवर इस पर चढ़ाया गया है, इतनी अच्छी फिटिंग में चढ़ाया गया है। तो बाकी मैंने भी पहले आपको दिखाया था जो कि इसके डैशबोर्ड गत्ते वगैरह थे का, जो मैंने आपको फिनिशिंग बताई इस कलर में आएगी, उस पेंट में आएगी जो इसको पेंट कर रहे हैं, जैसे कि दानेदार है, पहले इसको पूरा रिमूव किया जाएगा, बिल्कुल इसको प्लेन किया जाएगा, देन उसके बाद इस पर पेंट किया जाएगा ताकि प्रॉपर फिनिशिंग आए और प्रॉपर इसको लुक दी जाए। उसके बाद जो एनहेंस होकर आएगी जो चीज़, वो भी हम आपको एक बार वीडियो में जरूर दिखाएंगे। सारा काम हो रहा है पांडे कार सीट कवर से, सामने देख लो, और ये है पार्किंग के गेट के जस्ट सामने, ये पार्किंग है पीछे, ये पार्किंग का गेट है, पार्किंग के गेट के जस्ट सामने वाले पांडे जी हैं। बाकी एक नंबर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, नंबर देख लो और पॉज करके चेक कर लेना, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल। भाई देख लो भैया, वापसी हो चुके हैं अपने काम पे चालू, ये वाला काम भी और वो वाला काम भी, ठीक है ना भैया। सो भाई एक बार आपको ये भी मैं चेकआउट करा दूं, डबल स्टिचिंग के अंदर डोर पैनल को फिनिश दिया गया है, इस पर भी लेदर लगाया गया, मतलब पूरा कपड़ा चढ़ाया इस चीज पर भी। तो भैया एक बार थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे दीजिए कि इंटीरियर करवाने के लिए क्या कॉस्ट कुछ आएगी इस गाड़ी में, जस्ट सेल्टॉस होगी, क्रेटा वगैरह होगी, न्यू क्रेटा जो आई है उनका क्या कॉस्ट होगा एक बार इंटीरियर के लिए? अगर इंटीरियर बनवाते हैं तो इंटीरियर के लिए हमको कम से कम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यूज करना पड़ता है, अगर अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करेंगे तो जल्दी वेयर एंड टियर हो जाएगा, जैसे कि स्टेयरिंग के लिए, सीट कवर के लिए। जैसे कि मॉर्निंग में हमने बताया था कस्टमर ने गुजरात के अंदर सीट कवर लगवाया था तो रेक्सिन टच सीट को लगा दिया था। हाँ जी, तो ये पर इन्होंने आगे चेंज कराया मुझसे। तो मिनिमम अगर अच्छे क्वालिटी का काम करना है तो सीट कवर, डोर पैनल, रिंग कवर, फ्लोरिंग, फोर चार काम जो इंटीरियर के होते हैं, अराउंड 8,500-9,000 की रेंज में बढ़िया क्वालिटी का काम होगा। तो मतलब पूरा इंटीरियर सर 8,500-8,000 में होगा सिर्फ? सीट कवर, डोर पैनल, स्टीयरिंग कवर, फ्लोरिंग, चार काम जो है 8,500-8,000 में बढ़िया होगा। पेंट का खर्चा एक्स्ट्रा होता है, डैशबोर्ड रैपिंग का खर्चा एक्स्ट्रा होता है। हाँ जी, तो डैशबोर्ड रैप हर कोई नहीं कराता है तो इसलिए डैशबोर्ड रैप का खर्चा बताया नहीं जाता, वो अलग ही होता है, उनको एक्सक्लूड ही रहता है। बाकी इंटीरियर काम 8,500-9,000 में अच्छी क्वालिटी में हो जाएगा, स्टार्टिंग 6,500-6,000 से हो जाती है अपने पास। एक बार भी है, ये भी लोगों का थोड़ा वहम रहता है इस चीज में कि हम ये बाहर से काम करवा रहे हैं, ये हमने डैशबोर्ड उतरवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, कंपनी से कुछ काम प्रॉपर होगा, कोई कंपनी की कोई इशू नहीं होगी, किसी भी चीज की कोई प्लास्टिक आवाज नहीं करेगी, जैसे लॉक निकले हैं वैसे ही लॉक प्रॉपर फिट होंगे इसके, जैसे आप देख सकते हो प्रॉपर लॉक वाले सिस्टम है, इसके हैंडल्स वगैरह भी सब कल फिट होंगे, आज फिट नहीं हो पाए हैं, कल फिटमेंट होगी इसकी, जो वीडियो में हम ऐड ऑन करके आपको देंगे। पियानो फिनिश आएगी कि पूरी सिमेट्री बनेगी डैशबोर्ड के साथ। बार बार वही इसलिए ये चीज कह रहे हैं क्योंकि जब ये चीज के साथ ये चीज मैच करेगी काफी अच्छा एनहांस, उसको बहुत परफेक्शन का लुक आएगी। बाकी पीछे व्हाइट लाइट लगा दी आपको दिख रही होगी, अभी आगे भी भैया लगा देंगे, भैया पीछे बैठे हुए हैं कि अभी हम आगे शूट कर रहे हैं वीडियो। सो देन अभी चलते हैं शॉप के अंदर, दिखाएंगे भाई किस किस तरह का सारा काम होता है भैया की शॉप में, एड्रेस वगैरह भी एक बार सब कुछ आप भी बता दीजिए। हमारी शॉप का एड्रेस है 10159/58 पदम सिंह रोड, करोल बाग, अंडे कार सीट कवर, एमसीडी पार्किंग गेट जो सामने आप पीछे देख रहे होगे इसके बिल्कुल अपोजिट में है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये है सामने पार्किंग का गेट, करोल बाग में पार्किंग कार मार्केट के अंदर ये फेमस है पार्किंग, और उसके जस्ट ठीक सामने पांडे कार एक्सेसरीज है, बाकी अभी आपको बाहर से बोर्ड में दिखा दूंगा। तो चलिए एक बार शॉप के अंदर चलते हैं, बाकी एक्सेसरीज देखते हैं कि क्या। ये है शॉप का कार्ड, चेकआउट कर लो एक बार, पॉज करके अच्छे से चेक कर लेना, बाकी मैं आपको नीचे इनका दे दूंगा गूगल का लिंक, बाकी एक बार एक्सेसरीज का थोड़ा सा एक बार बता दो, चेकआउट करवा दो लोगों को। सब कुछ है अपने पास, एंड्रॉयड सिस्टम, बेस ट्यूब, परफ्यूम्स, नॉब्स, चार्जर्स, अच्छी क्वालिटी के चार्जर, और आजकल जो स्टीयरिंग कवर है बहुत अच्छा स्टीयरिंग कवर निकाला है हम लोगों ने, दिखा देता हूँ आपको स्पेशली इसके अंदर जिसकी फ्रंट की लुक ऐसी है, बैक में देखो इसका इंप्रेशन भी नहीं आएगा आपको, ठीक है, जो इंडियन फिनिश होती है उसका इंप्रेशन आता है, बैक में आपको इंप्रेशन भी नहीं आएगा, ये इंपोर्टेड में है, ये इंपोर्टेड एक नई चीज निकाली हमने, ठीक है, चाइना का नहीं है, मतलब चाइना का नहीं है, चाइना का नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। बाकी सीट कवर थोड़ी नजर करवा दें किस किस तरह का फैब्रिक है, क्या क्या है रेंज, एक थोड़ी सी रेंज गाइड दे दी कि इन गाड़ियों के लिए आपको ही पता होगी कौन सी गाड़ी ज्यादा मार्केट में इस समय चल रही है, उस हिसाब से एक बार रेंज में आप देख लेते हैं।
अपने पास ये चार क्वालिटीज हैं जो जनरली मैंने पीछे बताया था। हाँ जी, ये सबसे स्टार्टिंग वाली क्वालिटी होती है जो किसी भी कार के लिए आपको 1500 रुपये में स्टार्टिंग हो जाएगी। कार के लिए आपको फिटिंग जो है इस वाली क्वालिटी में 1500 रुपये में स्टार्टिंग हो जाएगी। फिटिंग चार्जेस अलग देने पड़ेंगे जी, लेबर चार्जेस। इस वाली क्वालिटी में ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, ये 2500 रुपये में हो जाता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेड फैब्रिक आया हुआ है, ये 4500 की रेंज में आता है। लोगों के आजकल ना मिथ बन गया नापा न्यू नापा ये वो सब रेक्सीन है भैया, सब रेक्सीन है। नापा है ना, आपका नाम रख दो नापा, नेपा रेक्सीन है, उसको फाड़ेंगे फट जाएंगे। अच्छा, बैठेंगे आप घिसेंगे और उस लोग ना आजकल बहुत वीडियो देखकर कह रहे हैं भाई नापा लगा दो, न्यू बग लगा दो, सोफा लेमिनेशन। मैं चैलेंज करूंगा आप नापा वाली क्वालिटी और मेरी ये वाली क्वालिटी दोनों का आप एक बार बस टच करके देख लो, आप नापा को हाथ नहीं लगाओगे, कभी भी लाइफ में लगाने नहीं चाहोगे, ये मेरी गारंटी है। नाम तो ऐसे रख दिया गया, बस कपड़े की क्वालिटी है जो है जी, बस जी, कपड़े की वाहियात क्वालिटी है, सबसे बकवास क्वालिटी है जो नापा क्वालिटी है। ठीक है भाई, एक बार हम आपको थोड़ा सा फिटिंग वगैरह भी एक बार थोड़ा सैंपल दिखा दीजिए कि किस किस तरह के इन फैब्रिक के अंदर एनहांस होकर जो लुक निकलती है। जैसे कि ये हमने अभी शेल्टर्स में फिटिंग करी है जी, ये लुक की जो फिटिंग आती है ये इम्पोर्टेड लेदर है हमारा, इसको हमने खुद अपना बनवाया, लैमिनेट करवाया है। इसकी खासियत क्या आती है, कपड़ा ऐसे आता है प्लेन जी, इसके पीछे हम लोग लैमिनेट कराते हैं, जो कि लैमिनेशन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो फॉर्म की जो क्वालिटी यूज़ करते हैं, हैवी क्वालिटी का फॉर्म यूज़ करते हैं, लोकल यूज़ नहीं करते। कलर कोई भी हो सकता है फॉर्म का, व्हाइट ब्लैक येलो उससे कोई मैटर नहीं करता। एक चीज और बताओ भैया, लोग कहते हैं थोड़ी मोटी फॉर्म लगाओ पतली फॉर्म लगाओ, इसमें ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होता ज्यादा? नहीं, मोटी फॉर्म जो लगती है मोटी फॉर्म से नहीं होता, फॉर्म की डेंसिटी से क्वालिटी का फर्क पड़ता है। आप मोटी जितनी मर्जी ले लो, अगर वो डेंसिटी हल्की होगी तो बैठ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी डेंसिटी की फॉर्म लोगे तो फिटिंग जो है कुछ नहीं अच्छी रहती है हमेशा जी, लाइफ लॉन्ग रहती है। अगर आपने एक बार ये क्वालिटी का सीट को लगा लिया तो 5-6 साल आप टेंशन फ्री रहोगे। तो एक बार ये बताइए, जो सेल्टर्स हमने दिखाई है गुजरात वाली, इसके अंदर कौन सा फैब्रिक यूज हुआ है? इसके अंदर हमने ये इम्पोर्टेड लेदर यूज किया है, लैमिनेट वाला। ठीक है, और ये लाइफ टाइम गारंटी है, ये आप सिगरेट की ऐसी भी जला नहीं सकते, जला दोगे सीट पर फ्री। एक बार लोगों को ये चीज क्लियर कर दो कि अगर कोई ब्लेड मार दे उस चीज की गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ ब्लेड की कोई गारंटी नहीं है अपनी तरफ से। नेचुरली अगर पीस अपने आप खराब होता है जैसे तो उसकी कुछ भी हो गया तो ये तो नहीं की आप ब्लेड मारोगे इसमें पेचकस उठा दिया, उस चीज की गारंटी नहीं मिल पाएगी आपको। फाइनली आज की यही वीडियो थी प्रॉपर। सो अभी बाकी काम चल रहा है, ऊपर लाइट है इसकी, वाइट हो रही है अभी, एक वाइट हो चुकी है, एक येलो रह रही है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आज नहीं मिल पाई है, ये कल मिलेगी ये सारी चीज़ें। सो अभी आज की ये वीडियो थी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाकर फॉलो कर लेना मुझे वहाँ पर। तो वही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेल देम बाय।